हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। ये जो आप तभी पंप देख रहे हो हम डिसमेंटल कर रहे हैं, ये है पीएफ टाइप पंप, यानी सिंगल सिलेंडर का पंप है। सामी ट्रैक्टर का पंप है, तीन सिलेंडर का ट्रैक्टर है। बेसिकली सिंगल सिलेंडर के तीन पंप लगे हैं उसमें। लॉक निकाल लिया है और अभी हम स्प्रिंग टाइप लॉक निकाला है, जो टैबेट रोलर का लॉक है उसे मैग्नेट से ये दबा करके फिर हम निकाल लेंगे। ये देखिए निकल गया यहाँ पे। ये बेसिकली रोलर को जो है होल्ड करके रखता है बॉडी में। ये रहा हमारी रोलर टैपेट असेंबली और इसको हमने देखा बिल्कुल रोलर कटा हुआ नहीं है। ये प्लंजर का लॉक है, मैग्नेट से इजी रहता है निकालने के लिए। तो अभी हम प्लंजर निकालेंगे, प्लंजर को देखेंगे प्लंजर कैसा है। इसमें प्लंजर बिल्कुल चमकता हुआ है, एकदम ओके है। प्लंजर में कहीं भी कैसा भी कोई निशान नहीं। और ट्रैक्टर भी नया है, टेस्ट होने के लिए आया है। बेसिकली कुछ दिक्कत आ रही है लोड कंडीशन, लोड लेने में धुआं ज़्यादा दे रहा है ये। अभी इसको हम ऊपर से होल्डर खोलेंगे और इसका डीवी निकालेंगे यहाँ से। प्लंजर बिल्कुल शाइनी है, अगर प्लंजर ख़राब हो जाता है तो शाइन उतर जाती है, पॉलिश उतर जाती है, फिर साइडों में से डीजल लीक होने लग जाता है। 22 नंबर के पाने से ये होल्डर को खोलेंगे। होल्डर का जो टॉर्क है वो है 45 न्यूटन मीटर। जब हम कसेंगे तो 45 न्यूटन मीटर पे कसना है ये होल्डर। होल्डर के अंदर स्प्रिंग रहती है और ये जो हमारा डीवी है इसको दबा के रखता है। मतलब यहाँ से डीजल तभी निकलता है जब प्लंजर प्रेशर से तेल फेंकता है, और एक बार जो डीजल बाहर जाए वो वापस अंदर नहीं आना चाहिए। ये डिलीवरी वाल्व का काम है, होल्डर, होल्डर स्प्रिंग और ये डीवी की बॉडी। ये कंप्लीट डीवी इस तरीके से असेंबल हो जाता है। सीट वॉशर जो होती है ये, अब जैसे ये हमारा बैरल है और स्लीव और स्प्रिंग प्लेट, ये कंट्रोल रैक बॉडी के अंदर। इसके जो टोटल दांत होते हैं 21 होते हैं, दांत बने हुए पिनियन पे। ये रैक है बॉडी में। ये जाम है इस पंप की थोड़ी, तो इसको हमने जो है फ्री करेंगे। ये प्लंजर हमारा इस तरीके से पूरा ये प्लंजर होता है। ऊपर वाला पार्ट बैरल है, अंदर वाला प्लंजर है, इसे एलिमेंट कहते हैं। यही है जो आपका हाई प्रेशर बनाता है। ये बेसिकली आपका इसकी जो मोटाई है उस पर डिपेंड करता है कितना प्रेशर रहेगा। जैसे इस प्लंजर का जो प्रेशर है वो लगभग 700-800 बार तक रहता है। डीवी के ऊपर ये जो वॉशर देख रहे हो आप, डिस्क वॉशर, ये लीकेज होने से बचाती है। मतलब जो आपका डीजल एक बार बाहर निकल जाए उसको नीचे नहीं उतरने देती। तो ये बॉडी में पूरा जो है हमको रैक को फ्री करना है। रैक इसमें टाइट चल रही है, ये एक इसमें प्रॉब्लम थी। इस तरफ सही चल रही है लेकिन उस तरफ थोड़ा जो है टाइटनेस इसमें है। ये फ्री करके जो है, ये देखिए ये फ्री कर चुके हैं हम इसको पूरी तरीके से, बिल्कुल फ्री चल रही है अभी। लेकिन ये पहले जब आई थी शुरू शुरू में तो टाइट थी। इसका जो ये फ्लेंज है ये अलग आता है, ये ऑर्डर पे मंगाना पड़ता है। ये ऑलरेडी था हमारे पास, तो इस तरीके से इसको असेंबल किया जाता है फ्लेंज पे। और अभी इसकी टेस्टिंग करेंगे कि कितना डीजल इसमें। असेंबली बहुत इजी है, जैसे हमने इसको निकाला है उसी तरीके से इसे असेंबल भी करना होता है। बाकी असेंबली की जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर देंगे। अभी इसमें जो फॉल्ट फंसा हुआ था उसको निकालने में समय लग गया, तो असेंबली की वीडियो हम आपको नेक्स्ट टाइम देंगे किस तरीके से असेंबल किया जाता है। थोड़ी सी कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है वहाँ पर, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी इसकी टेस्टिंग देखते हैं कि इसका जो चार्ट है वो मैं शेयर कर देता हूँ अभी आपको। एट द एंड जो है, आपको जब वीडियो पूरी ख़त्म हो जाएगी तो एंड में आपको जो है चार्ट आपको उसमें मिल जाएगा, वीडियो के एंड में। तो चार्ट आप देख लेना। वैसे नॉर्मल जो है इसका ज़ीरो ट्रैवल पे, यानी ज़ीरो ट्रैवल मतलब आपकी रैक जो है बीचम बीच में है। आप उसे ये भी कह सकते हैं कि 10 mm रैक जो है जब वहाँ पे उसको होल्ड करके रखें तो 750 पे आपको 4-4.5 cc तेल जो है मिलना चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या है इसका डिलीवरी और कैसे हम उसको जो है सेट करेंगे।
निकलना है। क्या बहुत ज़्यादा नहीं आया?